नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छी तरह से सीखेंगे। फिर इसके बाद गणित की और भी चीज़ें हैं, जैसे दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, संख्याओं का गुणनखंड कैसे किया जाता है वो देखेंगे। फिर इसके बाद किसी भी इकाई को दूसरी इकाई में, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, घंटे को मिनट और सेकंड में, या सेकंड से घंटे में मिनट में बदलना सीखा जाएगा। फिर इसके बाद एक एक नियम आता है, जैसे 10 केले का मूल्य कुछ दिया हो तो इसमें एक केले का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो इसी तरह कई चीज़ें हैं जो गणित में बहुत बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे, जिससे ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको गणित नहीं आती या उनको डर लगता है। मैंने इसमें हर टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे समझाया है, और अगर आप बेसिक मैथ के प्रत्येक वीडियो के प्रत्येक भाग को अगर आप देखें तो आप इसको अच्छी तरह देखें और समझें, तो मुझे विश्वास है कि आप बेसिक मैथ पूरी तरह अच्छी तरह समझ जाएंगे। और इसी विश्वास के संग आइए हम लोग गणित को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले अंकों के योग को देखेंगे। देखिए, बहुत सिंपल है ये, हर किसी को जोड़ घटाना आता होगा, मगर चूंकि मैंने कहा गणित को शुरू से शुरू कर रहे हैं तो मैं एक बार जोड़ से ही शुरू करूंगा, ठीक। जिस किसी विद्यार्थी को अगर ये आता हो आप थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए, ठीक ना। देखते हैं आप, ये रहा दो सवाल, ठीक ना। ये जोड़ पर है, ये अंकों का जोड़ है, इसमें केवल अंक ही अंक हैं, इसलिए इसको अंकों का जोड़ बोलते हैं। देखिए, 5 3 8, 4 3 7, 5 2 7, सिंपल जोड़ लिया इनको। अब देखिए, 5 में 0 जोड़ेंगे, ठीक ना। देखिए, 5 में 0 जोड़ने का मतलब हम 5 में कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, तो 5 में अगर कुछ नहीं जोड़ा तो कितना उत्तर आएगा, 5 आएगा। तो ये 5 हमने यहाँ लिख लिया, ठीक ना। 5 में 0 जोड़ने पर 0 नहीं आता, 5 में 0 जोड़ने पर 5 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 0 में 6 जोड़िए। देखिए, 0 में 6 जोड़ा तो जैसे पहले कुछ नहीं था, 0 मतलब कुछ नहीं, अब 0 में 6 जुड़ गया तो ये 6 हो गया, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। फिर 7 और 3 10, ये हो गया। ये दो सवाल बिना हासिल के थे, ठीक, जोड़ थे। अब मैं इसमें हासिल के सवाल लगा सब अब हम लोग हासिल का सवाल लगाएंगे। ये दो, एक दो सवाल, तीन सवाल यहाँ भी ले लेते हैं, 8 देखिए, ये तीन सवाल है, पहले इसको शुरू करते हैं। देखिए, 6 और 4, ठीक ना, 6 और 4 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है। अब इसमें से एक हासिल निकलना शुरू हो जाएगा। 6 4 10 10 का ये 0 हमेशा दाएं साइड वाला यहाँ लिखा जाता है, ठीक ना। ये दाएं साइड वाला 0 लिख लिया, ये जो 1 आया ये हासिल चला जाता है इसके लिए। फिर 7 और 3 जोड़िए, जो 7 और 3 जोड़िए, 7 3 10, 10 में 1 हासिल आया तो 11 आ गया, 10 प्लस 1 बराबर 11। इस 11 का देखिए दो अंकों की संख्या आ गई, इसको दाईं तरफ के 1 को यहाँ लिखा जाएगा, और जो ये 1 है इस 1 को यहाँ लिख लेते हैं, ये हासिल में चला गया। फिर 8 2 10, 10 में ये लास्ट में एक हासिल जोड़ना ना भूलिए, ये 8 2 10 1 11, ये 11 हो गया, ये जोड़ हो गया। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी देखा जाए,
देखिए जैसे पहले बताया 4 प्लस 0, चार में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही प्राप्त आएगा। अब 9 में 9 जोड़ा, 9 9 18, 18 का 1 हासिल 1, ठीक। फिर इसके बाद 8 8 16, 1 हासिल 1 17, हासिल 1। फिर 7 और 5 को जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 1 13। यहाँ पर अब 13 पूरा लिख देंगे क्योंकि इसके बाद कहीं कोई अंक और जोड़ने के लिए नहीं है, तो ये हासिल कहीं और आगे नहीं जाएगा, ये लास्ट में पूरा लिख लिया जाता है। तो इस प्रकार 7 5 12 1 13, 13 कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन और एक जोड़ का देख लेते हैं, 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा, ठीक। फिर 9 और 3, 3 और 9 12, 12 का 2 हासिल 1, ठीक। फिर 6 4 10, 10 में 1 11 हासिल जोड़े तो कुल 11, और ये 11 पूरा लिखा जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको जोड़ अच्छी तरह से आ गया। अब घटाना देखते हैं। घटाना भी दो प्रकार का होता है, एक सिंपल घटाना होता है, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए ये सिंपल घटाना, सिंपल घटाना है। जैसे देखिए 9 में 4 गया, ठीक ना, 9 में से 4 हटा देंगे, ठीक ना। घटाने का मतलब होता है कि किसी ऊपर वाले संख्या से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। तो 9 में अगर 4 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 5। फिर 8 में 5 गया, 8 में से 5 हटा देंगे, है ना, निकाल देंगे इसमें से, तो 8 में 5 गया 3। फिर 5 में 2 गया 3, ठीक। इसी प्रकार अब ये देखिए 5 में 0 गया, 5 में 0 जाने का मतलब कुछ नहीं गया, 5 में 0 मतलब कुछ नहीं गया, तो 5 में 0 कुछ नहीं गया तो 5 रहेगा ही, तो ये 5 रहा ही। फिर इसके बाद 8 में 5 गया, देखिए 8 में से 5 गया कितना आएगा, 8 में से 5 हटा देते हैं तो 3 आया। फिर 7 में 4 गया, 7 में से 4 को हटा देंगे, निकाल देंगे, तो हो गया 3, ठीक ना। ये दो सिंपल क्वेश्चन घटाने पर थे। अब इस पे से कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें उधार लिया जाता है। देखिए इसको घटाते हैं, अगर देखें इसमें 6 में से 9 घटाने के लिए बोला जा रहा है। देखिए 6 छोटा है, 9 बड़ा है, तो जो छोटा है उसमें से बड़ा चीज़ कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो अगर जैसे मान लीजिए किसी के पास 6 बॉल है, उसको कोई 9 बॉल लेने के लिए आ गया तो क्या करेगा, 6 बॉल ही है, 9 बॉल उसको देना है, तो सीधी सी बात है क्या करेगा, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी बगल में किसी से थोड़ा देर के लिए उधार मांग के चलाएगा कि मेरे पास कोई है, कोई और लेने आया है तो आप कृपया दे दीजिए, मैं उसको दे दूंगा, फिर बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक ना। तो इसमें भी वही काम होता है, उधार लेने वाला काम होता है, ठीक। तो उधार कैसे लेते हैं, देखिए ये वाला 6 बगल वाले के पास गया, बोला मुझे उधार दे दो, तो ये बोलता है 1 ले लो, इसने इसको 1 दिया, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 7 नहीं होगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक ना। इसने 5 में से 1 दिया इसको, तो 6 का 7 नहीं होगा, ये 16 हो जाएगा। और चूंकि इसने इसको 1 दिया
तो ये एक कम हो जाएगा, पांच था चार हो गया, ठीक। अब देखते हैं, अब 16 में 9 घट जाएगा, ठीक ना। अब बड़ी संख्या ऊपर हो गई 9, नीचे छोटी संख्या हो गई, तो 16 में 9 गया 7, ठीक। फिर 5 में, अब ये देखिए 5 बचा तो 5, सॉरी 5 नहीं, 4 बचा, 4 में 3 गया, तो 4 में 3 गया 1, फिर 3 में 1 गया 2, चूंकि इसके पास ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या, तो इसको कहीं से कोई उधार लेने की दिक्कत नहीं है, ये अपने में से ही इसको एक दे देगा और दो बच जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसी को, इसी माइनस, ये आपका सही है या गलत है उसको भी हम देख लेते हैं। माइनस का चेक कैसे होता है, चेक करने के लिए सिंपल, आप इन दोनों को जोड़ते चले जाइए, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, आपको ये ऊपर वाली संख्या 3, 5, 6 आ जानी चाहिए। देखते हैं, देखिए 9 और 7 जोड़िए, 9, 6, 9, 7, 6, 9 और 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल 1, ठीक। फिर 3, 4 और 1 हासिल 5, ठीक ना, केवल इन्हीं दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक ना। 9 में 7 गया, 9 प्लस 7 16, 16 का 1 हासिल और 6 यहाँ, 3 और 1 4 और 1 5, जैसे हमने जोड़ ऊपर किया था पहले ही वाली में, 2, 3, 2, 3, 4 और 1 हासिल 5 हो गया, 2 और 1, 3। देखिए ये ऊपर वाला चीज़ आ गया, अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब ये सही है, ठीक। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हल करते हैं, देखिए यहाँ भी वही केस है, 6 में से 9 नहीं घटेगा, तो क्या करेगा, ये बगल वाले से उधार ले लेगा, तो जब ये उधार देगा तो देखिए ये उधार देगा तो 6 का 7 नहीं 16 हो जाएगा, तो ये 16 हो गया, और चूंकि इसने एक दिया तो ये 6 हो गया, ठीक। अब 16 में 9 गया, अब 16 में से 9 घट जाएगा, तो फिर ये 7 आ गया। अब देखिए इसकी बात करते हैं, 6 में 8 गया, अब 6 में 8 तो जाएगा नहीं, ठीक ना, ऊपर भी छोटी संख्या हो गई और नीचे बड़ी संख्या हो गई, तो क्या करेगा ये काम, फिर बगल वाले से ये उधार लेगा, तो अब ये बगल वाले पास गया उधार लेने, इसने इसको उधार दे दिया, तो ये 6 का अब कितना हो गया 16 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक ना। जब कभी भी किसी को बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटती है, अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने के लिए हो तो बगल वाले से उधार ले लेगा, जैसे मैंने उधार लेना सिखाया ये ऐसे ही उधार लिया जाता है। तो अब हो गया 16 में 8 गया, तो 16 में 8 गया तो 8 आया, फिर 7 में 3 घट जाएगा क्योंकि ऊपर बड़ा संख्या है और नीचे छोटा संख्या है, तो 7 में 4 गया, सॉरी 7 में 3 गया 4, ठीक। और फिर अब ये 9 में 3 में चला जाएगा, तो 9 में 3 गया 6, 6, 3, 9। अब मैंने जोड़ माइनस का चेक करना भी सिखाया, तो हम चेक करके भी बता देते हैं, अगर हम मैं इन दोनों को जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ूं, तो ये जो भी आंसर आएगा ये ऊपर वाला संख्या आना चाहिए, तो हम देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 9, 7, 16 हासिल 1, 8, 8, 16, 1, 17 हासिल 1, 4, 3, 7, 1, 8 कोई हासिल नहीं आया अभी, 6, 3, 9 देखिए ये ऊपर वाली संख्या आ गई पूरी, इसका मतलब मेरा माइनस सही है, ठीक। इसी प्रकार लास्ट एक तीसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यहाँ भी 6 ही आ रहा है, तो क्या करें, यहाँ पर कुछ और बदल लेते हैं या 4 लिख लेते हैं, सब में 6, 6 ही लिखा गया है, तो अब ये 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो फिर वही काम करेंगे, उधार ले लेंगे, तो उधार बगल वाले से लेते हैं, तो ये 4 का 14 हो गया, में से 8 नहीं जाएगा, तो ये 4 फिर 7 में से उधार लेगा, तो उधार लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा, इससे उधार लिया तो ये हो जाएगा 14, और ये फिर एक कम हो जाएगा,
तो अब घटा लेते हैं, देखिए 14 में 9 गया 5, और 14 में 8 गया 6, और 6 में 3 गया 3। अब देखिए ये अपना उत्तर सही है कि गलत है उसको भी चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 9 और 5, 9 5 14 हासिल 1, 8 6 14 1 15 हासिल 1, 3 3 6 1 7। देखिए ये वापस सही आ गया, मतलब ये अपना माइनस सही है। अब दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को भी देखते हैं, तो इसमें देखते हैं, देखिए ये 0 है ठीक ना, 0 में से 9 नहीं जाएगा, तो 0 वाला बगल वाले से एक उधार लेगा, तो बगल वाले से उधार लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 नहीं होगा, ये बगल वाले से उधार लेने के कारण ये हो जाता है 10, और चूंकि इसने एक उधार दिया ये 4 हो गया। अब 10 में से 9 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1। अब इसकी अगर इसको हटाएं तो 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो 4 में से 8 नहीं जाएगा तो बगल वाले से उधार लेगा, तो बगल वाले से उधार लेगा, देखिए कैसे उधार लेते हैं, ये 4 बगल वाले से उधार लिया तो बोलता है मेरे पास तो खुद ही 0 है, मैं तुम्हें क्या उधार दूंगा, तो तुम क्या करो, तुम बैठो मैं बगल वाले से उधार लेके आता हूँ। तो ये वाला बगल वाले से उधार लेने गया तो इसके पास 4 है, तो इसने इसको एक उधार दिया, तो इसने इसको उधार दिया तो ये कितना हो गया, पहले ये हो गया 10 और ये हो गया 3। अब बोलता है मेरे पास 10 हो गया, मेरे से एक उधार ले जाओ, तो ये इसको फिर ये इसको उधार दिया तो ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 14। इस प्रकार घटता है। अब इसको घटा लेते हैं, तो 14 में 8 गया 6, 9 में 3 गया 6, 3 में 2 गया 1, ये अपना उत्तर आया। अब इसको घटा के चेक कर, अब इसको जोड़ के चेक कर लेते हैं कि अपना उत्तर सही है कि गलत है। देखिए इन दोनों को जोड़ना है अपने को, 9 और 1 10 हासिल 1, 8 6 14 1 15 हासिल 1, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 2 3 1 4। ये ऊपर वाला देखिए सेम आ गया, इसका मतलब सही है। अब इसको देखते हैं, इसमें देखिए बहुत सारे 0-0 हैं, उनको कैसे हल करते हैं। देखिए ये 0 में से 9 नहीं गया ठीक, तो 0 में से 9 नहीं गया तो बोलता है ये बगल वाले सुधार लेगा, तो बोलता है मेरे पास खुद भी 0 है, तुम रुको मैं बगल वाले सुधार लेकर आता हूँ। ये वाला इसके पास उधार लेने गया तो बोलता है मेरे पास भी 0 है, तुम रुको मैं बगल वाले सुधार लेके आता हूँ। ये 0 बगल वाले सुधार लेने गया तो ये उधार लिया तो इसको 3 हो गया, ये कट के 3 हो गया और ये 10 हो गया ठीक। फिर ये 10 वाला बोलता है बगल से मेरे से एक उधार ले लो, तो ये 9 बचा और ये 10 हो गया। फिर बोलता है 10 हो गया मेरे पास बगल वाले, तुम उधार ले लो मेरे से, तो ये 9 हो गया और ये 10 हो गया ठीक ना। तो ये तो मैंने पूरा कहानी बताया, मगर कभी घटाना हो तो इसको पहले 10 करिएगा, इसको 9 9 और इसको एक घटा के लिख दीजिएगा ठीक ना। मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन और लिख के दे दूंगा। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और 9 में 3 गया 6, और 3 में 2 गया 1 ठीक ना। इसको आप जोड़ लीजिएगा, सेम आंसर ही आंसर होगा। अब मैं इसको देखो क्या करते हैं, इसको एक क्वेश्चन और देख के बता देते हैं। 6 0 0 0 9 7 6 5 3, अगर इस तरह का लिखा हो तो देखिए होता ये ऐसे है, मगर आपको ज़्यादा समय नहीं खराब हो तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इसको 10 करिएगा, इसको 9 करिएगा, इसको 9 करिए, इसको 9 करिए और इसको एक कम करके लिखिए,
और फिर इसको घटा के लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा 10 में 9 गया 1, 9 में 7 गया 2, और 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 5 में 3 गया 2, ठीक ना। अब इसको जोड़ के भी देख लेते हैं सही आएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ना है बस, 9 और 1 10, हासिल 1, 7 2 7, 8 9 1 10, हासिल 1, 6 3 9 1 10, हासिल 1, 5 4 9 1 10, हासिल 1, 3 2 5 1 6। देखिए 20 वाला आ गया, लेकिन ऊपर वाला, इसका मतलब ये अपना माइनस सही है। अब इसके बाद गुणा देखते हैं। गुणा गुणा में जैसे 2 3 4 2 सिंपल, ठीक ना, ये पहला सिंपल क्वेश्चन है। गुणा कैसे करते हैं, जैसे नीचे ये जो 2 लिखा है, 2 का मतलब कि 2 का गुणा करना है, 2 का पढ़ना पढ़ना है अपने को, और ऊपर लिखा है इसका मतलब होता है कि कितनी बार पढ़ना है, ठीक। 2 का पढ़ना पढ़ना है 4 बार, तो 2 का पढ़ना है 4 बार पढ़िए, 2 चौके 8, फिर 2 का पढ़ना 3 बार पढ़िए, 2 तियाई 6, फिर 2 का पढ़ना 2 बार पढ़िए, 2 दुनी 4, ये उत्तर हो गया, ठीक। अब इसी प्रकार देखते हैं 5, 6, 7 गुणे 3, तो 3 का पढ़ना पढ़ना है और कितनी बार, 7 बार, फिर 6 बार, फिर 5 बार, तो 3 का पढ़ना 7 बार पढ़ेंगे, तो 3 7 21, इस 21 का ये 1 यहाँ लिखेंगे और ये 2 उधार हासिल चला गया, उधार नहीं हासिल चला गया बगल में, ठीक। अब फिर 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, देखिए बहुत बच्चे गलती हो करते हैं, 6 को 2 में ही जोड़ लेते हैं, ठीक ना, 6 और 2 जोड़ लिया 8 आया, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ दिया, तो गलत हो जाएगा ये, ठीक ना। ये हासिल आया है तो हासिल अंत में ही जुड़ती है, ये बीच पहले नहीं जुड़ेगी, इसलिए 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 6 18, फिर जोड़ेंगे 2, तो 6 3 18 18 2 21 18 2 20 ठीक ना। अब इस 20 का ये 0 यहाँ लिखाएगा और ये 2 हासिल यहाँ गया, फिर ये काम 3 का पढ़ा 5 बार, 3 5 15 15 2 17, ये हल हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक, अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या लिख लेते हैं 23, ठीक। अब ये काम करेंगे, सबसे पहले इस 3 का पहाड़ा इन सबों में पढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो 3 का पहाड़ा 3 बार, देखिए इन सबों का पहले इनमें 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 पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 9 बार 9, 3 3 9, 3 का पहाड़ा 3 बार 9, 3 5 15, हासिल 1। देखिए बहुत लोग गलती कर देते हैं 0 में, देखिए हमको पहले 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना है, ठीक ना, 3 का पहाड़ा 0 बार, किसी भी अगर किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा कर रहे हैं तो संख्या 0 हो जाती है, तो 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक ना, 3 0 जा 0, 0 में 1 जोड़ेंगे, ठीक ना, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक ना, जैसे पहले मैंने जोड़ में बताया 1 आया, तो इसको 1 यहाँ लिखेंगे, फिर 3 4 12, ठीक ना, ये 3 वाले का गुणा सब में हो गया। अब 2 वाले गुणा इन सभी में करेंगे, मगर पहले यहाँ एक क्रॉस करेंगे, यहाँ एक क्रॉस लगाएंगे, अब 2 3 6, तो 6 अब यहाँ लिखेंगे ना कि इसके नीचे, फिर 2 5 10, एक हासिल, ठीक ना। अब 2 का पहाड़ा 0 बार, 2 0 जा 0, और 0 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 आया, ठीक ना, फिर 2 चौके 8, और इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा अंक के नीचे ही उतरेगा, ये देखिए अगर इसका लिखते हुए कोई चीज़ बाहर आ रही है तो उसको बाहर लिख देंगे, किनारे लिख देंगे,
अब यहाँ लाइन खींचकर इसको जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ते हैं 9। अब इसको जोड़ना है सिंपल, 9 6 5 6 11 हासिल 1 1 1 2 2 और 1 3 8 1 9, ये उत्तर हो गया। भाग देखते हैं अब, भाग डिवीजन, ठीक ना, जैसे सबसे पहले ये रहा, ठीक ना। देखिए भाग में क्या होता है, जो चीज यहां लिखी होती है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, और ये जो लिखी होती है उससे ये पता चलता है अपने को कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ये आ जाए, ठीक ना। गुणा में क्या होता था, उतनी बार गुणा का पहाड़ा पढ़ा करते थे। अब यहाँ पर पढ़ेंगे दो का ही पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि दो कितनी बार में आ रहा है। जैसे 2 1 2, तो एक यहाँ लिख लेंगे 2 1 2, ठीक ना। ये फिर घटाएंगे इसको, 2 में 2 गया 0, ठीक। फिर 4, यहाँ 4 उतार लेंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का कि 4 आ जाए, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 2 4 घटाएंगे तो 0 हो गया। फिर इस बगल वाले को 6 यहाँ उतार लेंगे, ठीक ना। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, फिर घटाएंगे, 6 में 6 गया 0। अब इस वाले को चीज उतारेंगे 8। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ये 0, ठीक ना। ये भाग हो गया। अब इसमें कुछ शब्दावलियां हैं, उसको मैं लिख देता हूं यहां पर। देखिए इसको बोलते हैं शेषफल, इसको शेषफल बोलते हैं, इसको भागफल, भाग किया उसका फल प्राप्त हुआ, इसको भागफल बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, और इसको भाजक बोलते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। देखिए इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको डिविडेंट, कोटेंट एंड डिविजन, ठीक ना। ये भाग सही है कि गलत है उसकी भी चेक, इसका भी चेक कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं भाग का जांच, यहाँ भाग का जांच भी लिख लेते हैं, भाग का जांच। देखिए ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखते हैं भाजक कितना है, अपना भाजक 2 है, 2 लिखा। भागफल कितना है, ये रहा भाग 1 2 3 4, प्लस शेषफल कितना है, 0, 0 है, 0 लिखेंगे, 1 होता तो 1 लिखते। इसका गुणा करके देखते हैं, 4 2 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 प्लस 0, इसको 0 जोड़ेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा 2 4 6 8। देखिए भाज्य बराबर 2 4 6 8 आया, 2 4 6 8, इसका मतलब कि भाग अपना सही है। तो ये हो गया भाग का भी जांच, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए यहाँ जो भी छोटी छोटी चीजें हैं मैं सब बताते चलूंगा यहाँ पर। ये है दूसरा क्वेश्चन। देखिए तीन का पहाड़ा पढ़ना है कि तीन आ जाए, तीन एक कम तीन, तो तीन एक कम तीन आ गया, इसको घटा देंगे, तीन में तीन गया जीरो। फिर बगल वाला सिक्स यहाँ उतारेंगे, ठीक ना, यहाँ लाइन हम लिख देते हैं मगर ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं पहले ऐसे लिख दे रहा हूँ कि सिक्स को नीचे यहाँ उतारा, लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। छः एकम छः, छः दूनी बारह, सॉरी सॉरी सॉरी, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः, घटाएंगे छः में छः गया जीरो, इस नौ को उतार लेंगे यहाँ पर। फिर पढ़ना पढ़ेंगे तीन का कि नौ आ जाए, तीन त्रिकाए नौ, ये भाग समाप्त हो गया ये वाला। अब देखिए एक एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ठीक ना, ये रहा। अब पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। पांच का पहाड़ा पढ़ना है कि पांच आ जाए, तो पांच एक कम पांच, एक बार में आ गया तो एक लिखेंगे यहां, पांच एक कम पांच, लाइन खींचेंगे, फिर पांच में पांच को घटाएंगे, पांच में पांच गया जीरो। अब सिक्स को उतारेंगे, ये रहा सिक्स उतार लिया। अब पांच का पढ़ना पढ़ेंगे कि छः आ जाए, देखते हैं, पांच एक कम पांच पढ़ा तो पांच आया, पांच दूनी दस हुआ तो दस हो गया। देखिए पांच छोटा था, दस ज़्यादा निकल गया, छः अपने को कहीं नहीं मिला इस पहाड़ा में। तो इसमें क्या करते हैं, जब कभी पहाड़ा पढ़ेंगे तो अगर आगे निकल गया, देखिए पांच दूनी दस ज़्यादा हो गया, तो हमेशा हम छोटी संख्या को लेंगे, ठीक ना, ये भाग का नियम है। तो लिखेंगे पांच एक कम पांच, पांच एक कम पांच, घटाएंगे इसको, ठीक ना, तो छः में पांच गया एक, इस बार देखिए जीरो नहीं आया, शेषफल एक आया, एक दो तीन। अब इस बगल वाले को उतारेंगे यहाँ सात, तो यहाँ सब सात उतारेंगे, तो ये सात नहीं, अब ये 17 हो गया, ठीक। अब पहाड़ा पढ़ेंगे पांच का कि 17 आ जाए। देखिए यहाँ तक तो है, आगे और लिख लेते हैं, पान तियाई 15, पान चौक 20। देखिए 15 कम पड़ गया, 20 ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, 17 को हल करने के लिए हम बोले छोटा वाला लेंगे, भाग का नियम है हमेशा छोटी वाला संख्या लेंगे, तो पान तियाई 15, इस चीज को लिखेंगे हम लोग, पान तियाई 15। अब घटाएंगे तो सात में पांच गया दो और एक में एक गया जीरो, इसका मतलब 17 में 15 गया तो दो आया, ठीक ना, ये जीरो अब लिखने की जरूरत नहीं, केवल सिंपल दो आया तो दो लिख लेते हैं, ठीक ना। अब इस एट को उतारेंगे यहाँ, आठ उतारा तो कितना हो गया, 28 हो गया। तो अब पांच का पढ़ा पढ़ेंगे कि 28 आ जाए। देखिए यहाँ तक तो लिखा ही हुआ है, पांच पचे 25, पांच छक्के 30। देखिए 25 छोटा है, 30 ज़्यादा बड़ा हो गया 28 से, तो क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे, 30 को नहीं लेंगे, तो पांच पचे 25। अब घटाएंगे तो पांच आठ में पांच गया तीन और दो में दो गया जीरो, मतलब शेष फल अपना कितना आया, तीन आया। तो ये भागफल है, ये शेष फल है, ये भाजक है और ये भाज्य है, ठीक ना। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसी पांच का ही पहाड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए ये रहा, ठीक ना, नियम वही रहेगा जैसे हम लोग इसमें करते आए हैं, उसमें भी यही करेंगे। देखते हैं, देखिए
पाँच का पढ़ा पढ़ना है कि पाँच आ जाए, तो सिंपल पाँच एक कम पाँच हो गया, घटाया तो पाँच पाँच गया, जीरो कर लेते हैं, ठीक ना। कहीं के भाग में कैसे क्रॉस भी कर लेते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे क्रॉस करिए चाहे जीरो करिए, मगर जीरो आया तो जीरो लिख लेंगे। अब इस थ्री को उतारेंगे यहाँ पर, देखिए थ्री उतार लिया, ठीक ना। तो थ्री उतारा, पाँच का पहाड़ा पढ़ा, देखिए पाँच का पहाड़ा पाँच एक कम पाँच में ही ज़्यादा हो गया, पाँच तीन से पहले ये पहला ही पाँच एक बार ही पढ़ा तब भी इस तीन से ज़्यादा चला गया। अब क्या करेंगे, है ना, पहले वाले में था कि कम वाले को ले लेते थे, मगर यहाँ तो पाँच एक कम एक से ही प्रारंभ में ही अधिक हो गया, तो क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे फाइव जीरो जा जीरो, ठीक ना, पाँच जीरो जा जीरो ये पढ़ेंगे हम लोग। देखिए नियम है, भाग को एक बार पढ़ना तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक ना, तो हम यहाँ जीरो पढ़ते हैं, फाइव जीरो जा जीरो, ठीक ना, ऐसे। अब पाँच में तीन घटाया, पाँच में तीन गया, सॉरी तीन में जीरो गया थ्री। अब इस फोर को उतार लेंगे, अब देखिए ये चौंतीस हो गया, ठीक ना, इस चौंतीस का अब पढ़ना पढ़ेंगे, तो देखिए पाँच छक्के तीस, पाँच सते पैंतीस, तो चौंतीस से पैंतीस ज़्यादा हो गया, तो कम वाला ले लेंगे, पाँच छक्के तीस, पाँच छक्के तीस घटा देंगे, देखिए चौंतीस में तीस गया चार आएगा, ठीक ना। अब इस जीरो को उतार लेते हैं, जीरो उतारने के बाद चालीस हो गया, अब पाँच का पहाड़ा पढ़ेंगे कि चालीस आ जाए, पाँच सत्ते पैंतीस पढ़ चुके थे, पाँच अट्ठे चालीस, तो पाँच अट्ठे चालीस ये हो गया चालीस। अब ये जीरो हो गया, तो शेष फल जीरो, भागफल इतना और भाजक इतना है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, देखिए दो का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, एक हजार एक लिखा हुआ है, दो एक कम मतलब दो का पहाड़ा पढ़ेंगे, दो यहाँ एक है, ठीक ना, पहले ही ज़्यादा हो गया, तो पहली बार में जीरो को पढ़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इन दोनों संख्या को ले लेते हैं, एक नहीं जा रहा है तो शुरू में है, तो इसलिए इन दोनों के एक संग लिख लिया। अब कितना हुआ, दस हो गया, तो दो पंचे दस घट गया, क्रॉस करिए या जीरो करिए। अब इस जीरो को उतारा, इस जीरो को उतारने के बाद पहाड़ा देखिए ये कुछ क्या करते हैं कि दो का पहाड़ा में जीरो नहीं आ रहा है तो इस बगल वाले को वन उतार देते हैं, ठीक ना, वन नहीं, जब तक इसको एक बार भी भाग नहीं पढ़ेंगे तब तक इसका शेष फल नहीं होता, आगे हल नहीं किया जाता, तो क्या करेंगे, फाइव जीरो जा जीरो, फिर इस वन को उतारेंगे, ये वन उतारा, ठीक ना। अब देखिए भाग नहीं जा रहा है तो इसको शेष फल लिख कर नहीं छोड़ देंगे, ठीक, इसको एक बार पहाड़ा जरूर पढ़ेंगे, तो दो एक कम दो एक कम दो तो ज़्यादा हो गया, ठीक ना, यहाँ पर दो एक कम दो ये ज़्यादा हो गया, हमको चाहिए एक, तो क्या करेंगे, दो जीरो जा जीरो पढ़ेंगे, तो दो जीरो जा जीरो माइनस करेंगे तो एक में जीरो गया एक, ये जाके शेषफल आया, ठीक ना, इसको खास ख्याल रखिएगा वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। एक अंतिम क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए पांच से कर लेते हैं, तीन चार जीरो जीरो पाँच, ठीक ना, एक भी उतार सकते हैं यहाँ, एक उतार लेते हैं, ठीक ना, इसको अच्छे समझिएगा, भाग आपको आ जाएगा, तीन का पाँच का सॉरी पाँच का पहाड़ा पढ़ेंगे तीन आ जाए तो आएगा नहीं, पाँच एक कम पाँच ही ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करेंगे, शुरुआत में है तो दोनों संख्या एक संग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो एक संग लिखने के कारण ये चौंतीस हो गया, ठीक ना, अगर ये बीच में होता तो दोनों को एक संग नहीं लिए होते, ठीक ना,
शुरू में था तो 3 नहीं जा रहा था, 34 ले लिया। 5 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 6 30 और 5 7 35, 5 6 30 और 5 7 35। देखिए 35 ज़्यादा हो गया, 30 कम है, इसलिए कम वाला ले लेंगे। 5 6 30, 34 में 30 गया 4। अब इस जीरो को उतार लेंगे यहाँ पर, 40 हो गया। अब पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 8 40, 40 में 40 गया 0, ठीक ना। अब इस 1 को उतार लेंगे, ठीक ना। अब पढ़ा पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ मत करिएगा कि 5 के पढ़ा में 1 नहीं आ रहा तो बगल वाले 5 को उतार के 5 3 15 कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये 1 है, 1 5 1 5 तो ज़्यादा हो गया प्रारंभ में ही, तो क्या करेंगे 5 0 0 करेंगे पहले, ठीक ना। ऐसे फिर 1 में 0 गया तो 1 आया, ये आया। अब इस 5 को उतार लेंगे तो 5 ये हो गया। अब पढ़ा पढ़ेंगे तो 5 3 15, तब जाके ये सवाल का आंसर सही होगा, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए जिनको अच्छी तरह से गणित आता है वो ये स्टेप को नहीं करते हैं। ये जैसे देखते हैं 1 आया तो 1 को, 1 आया 1 नहीं जा रहा है तो बगल वाले को उतारने के लिए पहले यहाँ 1 0 लगा लेते हैं और फिर सीधे 5 लिख के 5 3 15 कर देते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं। ये ऐसे होता है, ठीक ना। देखिए भाग खत्म समाप्त हुआ।